हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के बारे में, जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है पीआरटी का। उसमें सीधा सीधा एक पार्ट ही है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ईवीएस, जो कि पर्यावरणीय विज्ञान होता है, पर्यावरणीय अध्ययन समझो या पर्यावरणीय विज्ञान, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है पूरी तरह से। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। विद्यालय का एग्जाम होने वाला है पीआईटी। बिल्कुल सब कुछ सही है, बस आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और हम लोग फिर क्लास चालू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको एक बार रिवाइज के लिए बता दूँ, हम सब लोग डिस्कस करेंगे, हम भी लर्नर हैं और आप भी, और हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम भी पीआरटी में हमने भी फॉर्म भर रखा है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दें। और इसीलिए आपके थंबनेल में दिख रहा होगा कि मैंने इसमें लगा रखा है कि स्टडी विथ मी। देखिए, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास ये पीडीएफ थी ईवीएस की, मैं पढ़ा बुक से, कई सारी बुक से भी पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। मैं किस बुक से ईवीएस पढ़ रहा हूँ, किस बुक से पैडागॉजी पढ़ रहा हूँ, ये किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, किसी दिन भी बता सकता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरणीय रसायन यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे, पर्यावरणीय विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग, जो कि कक्षा एक से पाँच तक, यानी कि बोले तो जो हम लोग आपकी ईवीएस आने वाली है, वो हम लोग सबको पता है कि तीसरी में है पर्यावरण और चौथी में है, पांचवी में है। उसके बाद जो छठवीं से लेके बारहवीं तक है वो विज्ञान में आता है, ठीक है, पर्यावरण। तो हम लोग अभी छः से बारह तक वाले को बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पीआरटी वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों का होना चाहिए तीसरी, चौथी और पाँचवीं वाले में, क्योंकि ये सीबीएसई ने जो केवीएस का एग्जाम ले रहा है वो सीधे सीधे बोल रखा है कि अगर हम जो सब क्वेश्चन देंगे वो आपके पर्यावरण एक से पाँच तक के होंगे, लेकिन अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल में जाएंगे तो छः से बारह तक की विज्ञान हम लोग उसमें जो पर्यावरण है उससे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल मुश्किल से 5 से 10% आएगा, बाकी 90% आपका जो होगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं के साइंस से होगा। तो हम लोग इसको ही पर्यावरण को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। हमारे पास पीडीएफ है, आपको डेली क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में हम लोग डेली लेक्चर समझेंगे, आप भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। हो सके तो आप नोट्स भी बना लें, या फिर आप इसमें चैनल के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि सी टैट, ईवीएस, केवीएस सभी के लिए, इन्हीं के लिए केंद्रीय विद्यालय टैट एग्जाम के लिए बनाया गया है। आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर देंगे डेली का डेली क्लास की, और हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग ये आपकी पीडीएफ जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम आपको दिखा दें जानकारी के लिए। इसमें बहुत तगड़ा, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी संपूर्ण एनसीईआरटी के आपका कवर किया गया है पर्यावरण को, जिसमें से आपके सभी, आपके जानते हैं थीम कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं, परिवार एवं मित्र में उप थीम दी गई, संबंध, कार्य एवं खेल, पशु पौधे, और बाकी और भी थीम आपकी इसमें जो कि इस पे डिपेंड है, भोजन पे, आश्रय पे, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये ही हमारा सिलेबस है ईवीएस का, हम लोगों को पता है। ये सी टैट का भी सिलेबस रहा करता है और यही इसमें ईवीएस में, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है इसमें, थोड़ा सा इसमें मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 से 12th लेवल के जो मेंशन कर दिए जाएंगे, बाकी सवाल जो होंगे, बाकी प्रश्न जो होंगे वो तीसरी, चौथी, पांचवी से ही पूछे जाएंगे, जो कि सी टैट में पूछता है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। 101 पेज की ये पीडीएफ है जो कि एक रामबाण साबित होने वाला है ईवीएस के लिए स्पेशली, ठीक है, जो आप समझ पा रहे हैं। तो हम लोग साथ में मिलकर के इसको करेंगे और साथ में मिलकर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हम भी साथ में पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग इसको डेली, हम लोग 8:30 बजे शाम को कोशिश किया करेंगे कि डेली लाइव आए और हम लोग साथ में डेली 10-10 पेज, 15-15 पेज, जितना हो सकेगा एक घंटे में हम लोग डेली पढ़ा करेंगे। एक घंटे क्या, 2-2 घंटे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपने को कंप्लीट करना है ईवीएस, हमने आज से स्टार्ट किया है। अभी तक हम पैडागॉजी पढ़ा करते थे, पैडागॉजी मेरी ख़त्म हो चुकी है एक बार,
मैथ हो चुकी है, रीजनिंग हो चुकी है, कंप्यूटर हो चुका है, अब ईबीएस का नंबर हमने अभी लगाया है, आज 3 फरवरी हो गई है, इसको हमको 3 से 4 दिन में ख़त्म करना है, इसलिए हमने सोचा आपके साथ क्यों ना साझा किया जाए और साथ मिलकर पढ़ते हैं। इस पीडीएफ हमको ये मिल गई थी टेलीग्राम चैनल में, एक बहुत अच्छी पीडीएफ है, हमने इसको पूरा एनालिसिस किया, एक बार इसको रीडिंग भी किया मैंने, बहुत अच्छा है। लास्ट में इसमें दोनों लैंग्वेज में दिया गया, हम आपको दिखाती है। तो सिलेबस हमारा है परिवार व मित्र, सिलेबस हमारा पहला पॉइंट, हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा हमारा है भोजन, तीसरा हमारा है आश्रय शेल्टर यानी कि, फिर उसके बाद जल वाटर हमारा है, उसका यात्रा है ट्रेवल्स हैं आपकी, और छठवां आपका है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। और ये परिवार मित्र वाले में उप थीम है संबंध का, पहली थीम है, दूसरी थीम आपकी कार एवं खेल के बारे में है, तीसरा पशुओं के बारे में, पौधों के बारे में, यानी कि हमको इन सब के बारे में, इसको उप थीम अब नहीं पूछेगा आपसे के बी एस में कि उप थीम क्या होती है, तो सी टैट में पूछता है कि थीम क्या होती है, थीम उप थीम क्या होती है, आपसे सीधा क्वेश्चन यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो हम लोग इनको बेहतरीन तरीके समझते हैं, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, सिलेबस पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जंतु के बारे में बताया है, जंतुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में यानी कि, और पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे, कार्य और खेल के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है जंतु, एनिमल, हम लोग जो इसको डिस्कस करेंगे, और ये दोनों लैंग्वेज में है, तो दोनों लैंग्वेज में हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं, वो सब लोग इसमें पढ़ सकते हैं, तो हम लोग इसको आराम से समझते हैं और देखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ हमारी प्रॉपर जा रही कि नहीं, बिल्कुल सब सही है, आवाज़ प्रॉपर है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। और एनिमल है ये, जो कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण, देखिए प्रारंभिक स्तर पर जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है वो कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले, स्तनधारी, है ना, के रूप में किया गया है, जिसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हम लोग जानवर कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनके रूप में यानी कि वर्गीकरण किया गया है, कीड़े के रूप में, पक्षियों के रूप में, रेंगने वाले एवं स्तनधारी कुछ, है ना, इनके बारे में 4 तरीके से हमारे इनको डिवाइड किया गया है, जो कि जानवर कहलाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसको, ये देखिए आपके जानवरों के चित्र भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कई वैरायटी के अलग अलग हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, हम लोग इनके बारे में अब अंदर चलेंगे थोड़ा सा, पक्षी है ना, जंतु में आपके क्या आते हैं, जानवर वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, तो हम लोग इनको भी देखेंगे। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले क्या है, इंडियन रेविन बर्ड जो के है, रोबिन बर्ड, कलचिड़ी, कलचिड़ी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, पत्थरों के बीच बनाती है मुलायम घोंसला, आप देख पा रहे हैं चित्र में ये कैसे बनाया हुआ है, ये देखिए पत्थरों की, यह पत्थर है और ये पत्थर है, इनके बीच में देखिए घोंसला यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, इनके बीच में घोंसला बना हुआ है जो कि मुलायम घोंसला। अब आपको यही समझना है कि पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, जो कि टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि से मिला करके अपना घोंसला कम्प्लीट कर लेती है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ पहली बात हो गई। दूसरी हम लोग चलते हैं कौवा, कौवा के बारे में जानते हैं, कौवा कैसे काम करता है, कौवा आप लोग सभी लोग आसपास देखते हैं, बहुत ही उचित मात्रा मिल जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, सबसे ऊंची डाल पर बनाता है पेड़ की, तो ये ध्यान रखना सबसे ऊंची डाल पर, हमको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट को ही समझना है और इन्हीं को अंडरस्टैंडिंग यानी बढ़ाना है अपनी, ठीक है। अगली बात आती है कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं, क्या ये रखते हैं अपने में, लोहे के तार टहनियाँ आदि को ये बिल्कुल रखता है और इसी को बनाता है, ठीक है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है, कौवा तो अंडा देता नहीं है, ठीक है, तो कोयल अंडे देती है, बेसिकली कोयल को अंडे देने के लिए वहाँ पे रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, इसकी पीडीएफ दे देंगे तो आप इसको बिल्कुल आराम से पीडीएफ संभाल कर रखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आपको लिंक दे देंगे तो इसमें ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो डेली का या तो नोट बना लेंगे या तो फिर आप उसको संभाल कर रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊँची डाल पर यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इसमें कई सारी लंबी लंबी लकड़ियाँ हैं जो कि ऐसे बना रहता है, ठीक है। आके देखते हैं हम लोग दार्जिलिंग चिड़िया, दार्जिलिंग चिड़िया क्या है, जिसे टेलर बर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं यह है अपने नुकीली चोंच से, यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है, सीकर छेद करके, ये देखिए इसमें कैसे बना रहा है, ये पत्तों से ही इसी में छेद करके ज्वाइन कर करके इसी में अपना घोंसला बना लेती है पत्ते के अंदर,
जो कि विधिवत तरीके से इसमें रहने के लिए इसके पर्याप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे टेलर बर्ड के बारे में, दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में, यह नुकुली चोंच के पत्तों में छेद करके सीकर घोंसला बना लेती है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। चलिए वीवर पक्षी के बारे में चौथा आ जाता है, चौथा हेडिंग डालेंगे या फिर आप समझेंगे इसको। तो वीवर पक्षी क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है, वीवर पक्षी नर है जो कि घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनती है, मादा उसी से उसे चुन लेती है। जैसे कौवा बनाता है घोंसला तो कोयल रहती है, वैसे वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुन लेती है और वहाँ पे फिर रहती है। ठीक है, मादा भी रहती है वहाँ पे, लेकिन नर बनाता है घोंसला जैसे कौवा बनाता है। ठीक है, इस चीज़ें ध्यान रखना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे आप लोग ये देखते हैं टहनियों में बिल्कुल ये बहुत ही जटिल और अच्छा, काफ़ी टिकाऊ और मजबूत ही घोंसला होता है। मैंने इसको पास से देखा है, छुआ भी है, जो कि हमारे गांव में जंगल जलेबी का एक पेड़ था जो कि कहते हैं टेढ़ा टेढ़ा फला करती है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाया करते थे। वहाँ पे नीचे एक जलाशय भी था जो कि पानी भरा हुआ था वहाँ पास। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फाकता पक्षी क्या है, क्या फाकता पक्षी के बारे में देखते हैं। डब बर्ड क्या देखते हैं, डब बर्ड के बारे में देखते हैं हम लोग। ये क्या होता है, डब साबुन तो सुना था, फाकता पक्षी भी देख लेते हैं क्या होता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ओ, तो ये क्या चीज़ हुई, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसली बनाती है। तो यानी कि मेहंदी का जो मेड़ होता है उसमें या कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बना लेती। कैसे, देख लेते हैं। ये देखिए कैक्टस का पेड़ है, यहाँ पे ये घोंसला बीच में बनाई रखी हुई है। ठीक है, बनाकर रखी हुई है। तो ये कौन सा हुई आपकी, फाकता पक्षी यानी डब बर्ड हो गई, जो कि आपको ध्यान रखना है कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में यानी कि मेड़ में अपना घोंसला बना लेती है। आगे देखेंगे हम लोग गौरैया और कबूतर पक्षी। ये तो हमारे आसपास हम लोग इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, भली बात जानते हैं, सब कुछ समझते हैं इनके बारे में, बस हमको थोड़ा सा जानना है इनको। तो गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में हम लोग देखेंगे, इस पर और पिजन के बारे में। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, हमारे घरों पर बना लेती है ना, छाछनी पे यानी कि छत पे बना लेती है। तो ये आलमारी के पीछे बना लेती है, छत या आईने के पीछे बना लेती है। तो गौरैया कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं, कबूतर पुराने, यही तो आपको समझना है कि पुराने मकान और खंडहरों में कौन बनाता है अपना घोंसला, तो कबूतर बनाती है। ठीक है, यहाँ से कबूतर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं ये देखिए बनाया हुए हैं पुराने खंडहरों में, ये अलमारी के पीछे कहीं भी कुछ भी पा जाती है तो वहीं पे बना लेती है। चलिए हम लोग बसंत गौरी पक्षी के बारे में देखते हैं। बसंत गौरी पक्षी क्या है, वुड पिकर। ये बहुत अच्छा, ये हम लोग जब पहले गांव में रहते थे और गैया ये चराने कभी मान लीजिए जाते थे तो वहाँ पे हम लोग देखते थे इसको, वुड कर कठफोड़वा हम लोग कहते थे इसको, ये जो कि बनाता है। तो देख लेते हैं बसंत गौरी पक्षी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है, पेड़ के तनों में गहरा छेद, ठीक है, बनाकर अंडे देती है। क्या बनाती है, हाँ तो छेद बनाकर पेड़ के तनों में गहरा छेद बना लेती है और उसी में अंडे ये देती है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे, ये देख पा रहे हैं, ये पेड़ों को जो सूखे पेड़ होते हैं, गीले पेड़ में कम कोशिश करती है, सूखे पेड़ में ये ज़्यादा कोशिश करती है। ठीक है, गीले पेड़ में ये बिल्कुल इसको सूखे पेड़ में इसको बिल्कुल अपनी नुकीली चोंच से मार मार करके छेद करती है और इसी में अपना घर बना लेती है, ये घोंसला बना लेती है। ठीक है, बिल्कुल। आगे हम लोग देख लेते हैं, शक्कर खोरा पक्षी क्या है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। शक्कर खोरा पक्षी इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, शक्कर खोरा पक्षी क्या है, तो यह पेड़ या टहनी, ये आप लोग को पता होगा कि यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, इसको और हम लोग देख लेते हैं। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं, इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। अच्छा,
यानी कि आपको ध्यान रखना, रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े होते हैं, कपड़े टुकड़े टुकड़े लेकर के आती है ये, झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं, लटकता हुआ घोंसला जैसे अभी हम लोग पीछे देखे थे वैसे ही ये भी बना लेता है। ठीक है, ये देखिए कैसे घोंसला बना रखे हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना, यही पक्षियों के नाम, शक्कर घोरा, घोरा पक्षी है ये, खोरा, सॉरी, खोरा पक्षी, शक्कर खोरा पक्षी ये बनाकर यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इस तरह के उल्लू पक्षी क्या करता है, उल्लू के बारे में हम लोग देखते हैं हम लोग। ठीक है, उल्लू पक्षी क्या है, ठीक, अच्छा उल्लू के बारे में आउल बर्ड देख लेते हैं हम लोग कैसे काम करता है। ये तो हम लोग इसको भी देख रखे हैं, जानते भी हैं। यह एक रात्रिचर प्राणी है, यानी कि रात्र को चलता है ये। ठीक है, जो अपनी गर्दन के पीछे 270 घुमा सकता हो, अपनी गर्दन को पूरा यानी 270 घुमा सकता है, यानी कि ऐसे ऐसे पूरा ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर सकता है इतना। सिर्फ 360 होता तो पूरा घुमा लेता है ये, 360 नहीं घुमा पाता, 270 डिग्री घुमा सकता है, यानी कि 390 270 घुमा सकता है इसको। ठीक है, अच्छा अगली बात है, इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है, इसकी आंखें सामने की ओर होती है इसलिए घुमा सकता है। ठीक है, मनुष्य जैसे हम लोगों के सामने की, पक्षियों की बगल में हुआ करती हैं आंखें, बगल में हुआ करती है, लेकिन आउल की जो है सामने हुआ करती है इसलिए घुमा लेता पूरा। हम लोग तो केवल 180 घुमा पाते हैं और ये 270 यानी हम लोगों ज़्यादा घुमा लेता है ये। ठीक है आउल, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैना पक्षी के बारे में आपने सुना है, मैना पक्षी के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है मैना पक्षी। अच्छा मैना पक्षी है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। अच्छा रेगिस्तान में, कहाँ पे, रेगिस्तान में चिड़िया पाई जाती है, मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर कर लेती है। अच्छा मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ठीक है, बिल्कुल, मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर कर लेती है, हिला करके, झटका दे करके पीछे की ओर कर लेती है। रेगिस्तान में मैना पक्षी पाई जाती है, सबसे ध्यान रखना है रेगिस्तान, क्या, रेगिस्तान में मैना पक्षी पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल, आगे देखते हैं हम लोग। बगुला, बगुला आपने नाम सुना है और अपने आसपास देखा भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग बगुला पक्षी को। बगुला पक्षी क्या होता है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। अच्छा बगुला भैंस पर बैठकर यानी जानवरों पर बैठ करके उसके कीटों को यानी किल्ली वगैरह जो लगी होती है उनको खा लेता है वो। ठीक है, बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना है, भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुलों को भोजन मिल जाता है, इसको कहते हैं परजीविता, परजीवी कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हो सहजी, सहजीवी भी से आएगा ये। ठीक है, सहजीवी साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं हम लोग। बगुले को भोजन मिल जाता है, तो ये बगुले की कहानी है। देखिए आपने नदियों में, तालाबों में देखा होगा इसको। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं बुलबुल पक्षी। बुलबुल पक्षी के बारे में दिया गया है, बुलबुल पक्षी देख लेते हैं क्या होता है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, क्या है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह बुलबुल चिड़िया है। ओहो, वो चिड़िया बुलबुल है, यानी बुलबुल को पहचानने की पहचान है ये, कि जब वह चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो। ठीक है, कैसी हो, लाल हो, तो कौन सी चिड़िया होगी, वो बुलबुल चिड़िया होगी। क्या होगी, बुलबुल चिड़िया होगी। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, इस तरह पहचान सकते भी हैं। आगे देखें हम लोग बुलबुल की, इसके बारे में देखें तो क्या दिया गया है इसके बारे में। बुलबुल की पूंछ की सिरे का रंग सफ़ेद होता है, बुलबुल की पूंछ का जो सिरे का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। क्या होता है, उसका बाकी सिरा जो शरीर होता है भूरा होता है और सिर का रंग क्या होता है, काला होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल, अच्छा बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, ध्यान रखना बुलबुल बहुत तेज बोलती है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो,
जिसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं, वो कलगी निकली होती जो काले रंग की, वो सिपाही बुलबुल कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना, कलगी वाली सिपाही बुलबुल कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बिल्कुल। आगे दिया गया है, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल पीपल या पेड़ के बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है, यानी कि पीपल और बरगद के पेड़ पर जो कीड़े होते हैं उनको ढूंढ करके खाती है बुलबुल, ठीक है? ये हो गई हमारी अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती हो। हमारी तरह बोल, ये क्या है, सब्जी और फल भी खा लेती है, ठीक है? अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वो अमरूद के बगीचे पर और मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, ये भी ध्यान रख लेना है हमको। आगे दिया है, वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। ओ, तो ये भी ध्यान रखना है कि सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं हम लोग। घोंसला अंदर से सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, यानी कि इनका कैसा होता है, सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि इनका जो बुलबुल का घोंसला है वो सुंदर कटोरे के जैसा दिखता है, ठीक है? बिल्कुल। अगला पॉइंट है, इसमें दिया गया है, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। कितनी देती है? 2 या 3 अंडे देती है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। अगला है, उसके हल्के अंडे जो है हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इसके कैसे होते हैं अंडे? हल्के गुलाबी, जैसे मुर्गी जैसे सफ़ेद नहीं होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? लाल, भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ भी दिखाई दे सकती है, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग, इनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका बुलबुल है। आगे देखते हैं हम लोग हुदहुद पक्षी। हुदहुद पक्षी के बारे में देखते हैं कैसे काम करता है हुदहुद पक्षी। देखिए, हुदहुद पक्षी जो होता है, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या दिया गया है? हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, उसकी कलगी निकली हुई होती है। हम आपको चित्र भी दिखाएंगे, इसके सिर पर क्या होती है, कलगी निकली होती है, ये आपको मेन ध्यान रखना है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेती है, चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेती है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। क्या करती है? पैरों को फैला लेती है। आगे देख लेते हैं हम लोग, हुदहुद। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ओ, इनका पूरा शरीर जो होता है रंग बिरंगा और चटकीला होता है, ठीक है? बिल्कुल। हुदहुद का कैसा होता है शरीर? रंग बिरंगा और चटकीला होता है, हमें पहचानने में आ जाएगा। अच्छा, अगला है, पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती है। क्या होती है? पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती है, ये भी हमें हुदहुद के बारे में जानकारी मिली, ठीक है? आगे देखते हैं, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। अच्छा, बादामी रंग का किसका होता है? हुदहुद का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। चोटी क्या होती है इनकी? बादामी रंग की होती है, मगर उनके सिरे जो होते हैं काले और सफ़ेद होते हैं। सिर कैसा होता है? काला और सफ़ेद होता है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बात करें तो हुदहुद का दुम, भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। तो हमको बाकी बादामी के अलावा हमको ध्यान रखना है काला और सफ़ेद, ठीक है? चोंच पतली होती है हुदहुद का, और लंबी तथा तीखी होती है। लंबी तथा तीखी होती है, बहुत ही नुकीली होती है। अगला है, इस चोंच से आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर निकालता है। तो जमीन के नीचे के कीड़े मकोड़े कौन खाता है? हुदहुद। कौन खाता है? हुदहुद, ठीक है? कौन खाता है? हुदहुद खाता है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है? बिल्कुल। ये देखिए, ये कीड़े मकोड़े निकाल करके जमीन का खा लेता है, ठीक है? अच्छा, आगे ये बहुत चित्रंगी होती है। देखिए, कई सारे कलर हैं इसमें, बहुत सारे कलर हैं। देखिए, बाहर सफ़ेद काला है बाकी, और इसके ये देखिए कलगी निकली हुई लंबी सी पीछे की ओर, ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं इसको,
इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में हुप यू कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं से पदुबया या हजामिन, शाह सुलेमान भी कहते हो। इसके कितने नाम है, ये तो इन नामों को हमको ध्यान रखना। हुदहुद के और क्या नाम है, पदुबया, हजामिन, शाह सुलेमान, ये हमको ध्यान रखना। हुदहुद के नाम है, किसके नाम है, हुदहुद के नाम है, ठीक है। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है, 3 से लेकर के 10 अंडे हुदहुद अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती, हटती नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो तब तक हटती नहीं है जब तक कि अंडे बाहर, यानी कि बच्चे जो है अंडे से बाहर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है। अच्छा, मादा बैठी रहती है और नर जो होता है हुदहुद, वो उसको भोजन लाकर खिलाता रहता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। सफाई बहुत ही गंदे हैं यार, सफाई नहीं करते ये, तो ये सफाई नहीं करते, दोनों वहीं पे बैठे रहते हैं। अच्छा, संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। अच्छा, संसार के विख्यात पक्षी में से है, फेमस हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है, ना ही इसकी मीठी बोली मिठास है। ना इसको पालतू बनाया जा सकता है, ना इसको पालते हैं, और ना ही इसकी बोली मिठास है, ठीक है। इसलिए इसको हम पालते भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मिठास नहीं है तो नहीं पाला जाता, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए कैसे ये उसी घोंसले पे बैठी रहती है जब तक उसमें से बच्चे नहीं आ जाते। अच्छा, ये तो पक्षियों की बात रही, अब हम लोग जानवरों की बात कर लेते हैं, ठीक है। जानवरों की बात में आते हैं और देखते हैं जानवरों की विशेषता, देखते हैं क्या क्या होती है, ठीक है। हम लोग करेक्टर किसका देखेंगे, एनिमल्स का देखेंगे। हाथियों की विशेषता, सबसे पहले हाथियों की विशेषता हम चलते हैं, तो क्या होता है हाथी की विशेषता, ठीक है। हाथी झुंड में रहते हैं, क्या रहते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं हाथी, सबसे पहले हम लोग, अब जानवरों का अभी तक हम लोगों ने पक्षियों का देखा, और हम लोग जानवरों का देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं हम लोग, तब आपको इसमें से देखना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जिससे कि जिनको अगर देखना है, समझना है, तो वो आ सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम देख लेंगे इनको। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। थोड़ा सा शेयर कर दें, और भी बच्चे आप लोग भी शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं तब तक। चलो, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, आगे क्लास को कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए, अब जानवरों की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। जानवर की विशेषता क्या क्या है, कैसे सभी जानवरों के लगभग लगभग हम लोग देखेंगे, जो जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। हाथियों की विशेषता, हाथी झुंड में रहते हैं। ओ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हाथी किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। अकेला हाथी नहीं चलता है जल्दी से, अकेला उसको भाई अगर पालतू बना लिया गया हो, उसको महंत लोगों के द्वारा अगर उसको
हायर कर लिया गया हो, आराम से उसको सेवा करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, तो अकेले हाथ उसको लेके चलते हैं। बाकी बकाया हुआ ऐसे जंगलों में देखेंगे तो झुंड में ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आगे देखते हैं, तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। कितने खा लेता है? 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ वो खा लेता है एक अकेला हाथी। अब बताइए इसमें से क्या दिया, एक बड़ा हाथी, छोटा हाथी नहीं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है वो। अच्छा, और अब इसकी और बड़ी विशेषता देखिए, केवल 2 से 4 घंटे सोता है। 2 से 4 घंटे यानी कि 24 घंटे में से वो केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो 4 घंटे भी अगर सोता है तो कितने, 20 घंटे जगता है हाथी। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है। क्या होती है? नेता होती है। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है, जो सबसे बुजुर्ग होगी तो वो झुंड की पूरी नेता होगी, जो कि आगे आगे चलेगी। ठीक है, आगे। अच्छा, 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं, यानी कि जो 10 से 12 हाथी वाले यानी कि जो हाथी के बच्चे हैं वो अपने झुंड में रहते हैं। 10 से 12 यानी कि 10 10 का ग्रुप या 12 12 का ग्रुप बना रहता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें हाथी अगला बात आती है अगर हमारी, तो हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। कितने रहते हैं? 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड रहते हैं, यानी कि बहुत बड़े हो जाते हैं तो अकेले भी चलने लगते हैं। और 14 से 15 साल की आयु तक वो क्या रहते हैं? झुंड में रहते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। कितना होता है ये आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट छप जाएंगे क्वेश्चन, ये छपने वाले हैं। 3 महीने के बच्चे के जो वजन है 200 किलो होता है। कितना होता है? 200 kg, 200 किलो का होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है, ये तो हम लोगों को रटा हुआ है। हाथी को पसीना नहीं आता, ये जीके का नॉलेज हो गया आपने। तो सबसे पहले आपको ध्यान से जीके भी हमारी बहुत मजबूत होगी। ये देखिए हाथी यहाँ झुंड में चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे झुंड में है बुजुर्ग हाथी ये रहते हैं, और छोटे बच्चे इनके बहुत ज़्यादा झुंड में ही ज़्यादातर रहते हैं। ये देखिए सही है ना, बिल्कुल। आगे की बात करें अगर हम लोग, सांप की विशेषता है। अब हम लोग सांप की विशेषता देख लेते हैं। हाथी की विशेषता तो देख लिए, सांप की विशेषता देख लेते हैं, कैसे होती है कैसे नहीं होती है। चलो तो हम लोग सांप की देख लेते हैं। सांप की विशेषता क्या है? देखिए सांप की विशेषता हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, भारत में लगभग 50 तरीके के सांप जहरीले। क्या बात कह रहा कि, यानी कि भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। 50 तरह के जो होते हैं सांप जहरीले होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। ये हमको ध्यान रखने वाली बात है और समझने वाली बात है। अच्छा, इसमें से कुछ सांप हैं जो नाग होता है, करैत है, दुबैया है और अफाई है, ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। आगे देख लेते हैं हम लोग, तो कितना आपने देखा कि भारत में 50 तरह के सांप जहरीले होते हैं, उसमें से 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। नाग है, करैत है, दुबैया है और अफाई है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, ये देखिए ये बहुत ही डेंजर खतरनाक होते हैं, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ये सांप। आगे देखें, सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। ओ, यानी सांप के काटने की दवा जो होती है सीरम सांप के जहर से ही बनती है। सीरम सांप के, सांप कैसा है वो सीरम, तो सीरम के सांप के से जहर बन के जहर से बनती है दवा, सांप के काटने की दवा। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। 2 कैसे दांत होते हैं? खोखले दांत होते हैं, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। अच्छा, खोखले दांतों से वह जहर को छोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, सांप के बाहरी कान नहीं होते। बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। जमीन से एकदम बिल्कुल चिपक करके रेंगता है और उसी जमीन से हुए कंपन को ही वो समझता है और जानता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करें अगर हम लोग,
सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु तो निगलता है, भोजन को डायरेक्ट वो निगल जाता है, बट दांत नुकीले होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दांत कैसे नुकीले नुकीले लंबे लंबे दांत इसके दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये निगल जाता है डायरेक्ट सांप को, कि क्या करता है, निगल जाता है सांप को। आगे देखते हैं हम लोग सांप के बारे में। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, हमेशा ही बड़े होते रहते हैं, यानी कि लंबाई में ही बढ़ते ही रहते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं मरते तक। ठीक है, यानी कि बहुत लंबे लंबे सांप हो जाते हैं ये। सांप नाक से नहीं सूंघते, इनके नाक नाक से सूंघते ही नहीं है। सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते, तभी हर समय जब भी सूंघते हैं ना, जीभ को बाहर निकाल करके लपलपाते हैं जीभ को, अच्छा वो सूंघते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को जानने को मिला। आगे देख लेते हैं हम लोग, ये दिया, सांप के कान नहीं होते, जब कान नहीं होते तो ये कहाँ से सुनेगा, इसलिए जमीन की धड़कन को, कंपन को जब चिपके होते हैं, चलते हैं तो सुनते हैं ये चिपक करके, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैला लेता है, और लोग समझते हैं कि झूम रहा है। ओहो, ये सुन ही नहीं सकता, सांप के कान नहीं होते तो धुन से कैसे सांपेगा, वो डर करके उसे फन फैला लेता है और समझते हैं कि लोग झूम रहा है। अच्छा, सांप दूध नहीं पीते, ओ तो फिर सांप को नाग पंचमी में दूध किसको पिलाया जाता है भाई। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। इससे क्या होता है, सांप मरने का डर होता है और सांप मर भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, दूध नहीं पीता सांप कहते हैं, और ये सांप फन फैलाकर सपेरे से डर करके ये सांप फैलाता है। अब आते हैं गिलहरी की विशेषता, गिलहरी की विशेषताएँ हम लोग देखेंगे, गिलहरी की क्या विशेषताएँ होती है, करेक्टर देखेंगे। ठीक है, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इनके भी दांत बढ़ते रहते हैं, सांप बढ़ता रहता है, यहाँ पे इनके दांत बढ़ते रहते हैं, तो किसी के कुछ तो देख लेते हैं। लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं, ये खाती है जब घिसती कुतरती है तो छोटे होते फिर बढ़ते, फिर घिसती है फिर बड़े होते हैं, तो इस तरह इसका चलता रहता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी है। तो क्या होता है, घिसने कुतरने से इसके दांत बढ़ते रहते हैं और घिसते रहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग इसलात की विशेषताएं, इसलात दिया गया है। ठीक है, इसलात भालू जैसा जानवर, इसलात की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीटैट में हमने जब पेपर दिया था तो इसलात से पेपर बनाए गए थे, यानी कि इससे क्वेश्चन बने गए थे। इसलात भालू जैसा जानवर होता, देखने में एकदम लगेगा कि भालू है। ठीक है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। 17 घंटे, 24 घंटे में 17 घंटे सोता है, मतलब मात्र वो 7 घंटे जगता है, अब वो भी उल्टा लटक कर, सिर के उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, मतलब ये सोता ही रहता है। ये लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, 8 पेड़ ही घूम पाते हैं, बाकी सोता रहता, किसी पेड़ पर चिपक जाएगा तो वहीं पर सोता रहेगा। यानी कि बहुत ही ज़्यादा आलसी, आप समझ सकते हैं कि इसलात बहुत ज़्यादा आलसी होता है। ठीक है, और ये मुश्किल से 8 पूरे 40 साल, यानी आपके कह सकते हैं 8 × 40, यानी 5 साल में एक पेड़ बदलता है औसतन। आप देखिए 5 साल में एक पेड़ बदलता है, आप समझ रहे हैं, उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सांस करने के लिए पेड़ से उतरता है, सप्ताह में एक बार सांस के लिए उतरता है, बाकी सोता रहता है। ये खाता क्या है, पेड़ की पत्तियाँ खाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, तो ये इसलात की कहानी है। इसलात के बारे में हमने देखा कि ये इसलात भालू जैसा जानवर है, ये करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है, और ये 40 वर्ष, अपने 40 साल की इसकी ज़िंदगी होती है, पूरे 40 साल के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ करता है, और सप्ताह में एक बार शौच करता है। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है भालू जैसा दिखता है, ये सो रहा है मस्ती से बिल्कुल, अब पत्ती खाता है, ये पेड़ की पत्ती खा रहा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मछली की विशेषता, हम लोग मछली तो देखे हैं, खाते भी हैं लोग, इसको मांसाहारी में गिना जाता है, इसको खाते हैं, और हम लोग देखे भी हैं, पकड़े भी हैं, टच भी छुए हैं उसको तो आसानी से, तो इसके हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे हम आपस में। ठीक है, लेकिन बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं, हम लोग बहुत जिनको जानते नहीं हैं। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है, सबसे छोटी मछली स्टाउट इन फैट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है, कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर की होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास पाई जाती है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास पाई जाती है, 1 सेंटीमीटर की। आपकी लंबाई पूछ सकता है, सबसे छोटी मछली की लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है, सबसे बड़ी मछली कितनी है, वेल शार्क है, वास्तव में यह वेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है,
व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती है, हवा नहीं लेती है। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। अब बताओ, व्हेल मछली कह रहे हैं कि सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वास्तव में व्हेल नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी मछली होती है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक होती है, बताइए। वे पानी लेती है, हवा नहीं। बच्चे व्हेल बच्चों को जन्म देती है, वो देखिए, लेकिन और मछलियाँ अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। व्हेल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी हो सकती है। उसका वजन 16,000 किलोग्राम। ये एनसीईआरटी में कक्षा 5वीं की मैथ में पहले चैप्टर में ही दिया गया है, ये सीधा सीधा, ठीक है, आप ये ध्यान रखना है। अच्छा, 16,000 किलोग्राम इसका वजन हो सकता है, 18 मीटर लंबी होती है। ये देखिए कितनी लंबी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश देख लेते हैं, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, क्या है इनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। क्या हो गए? जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। देखो, 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में खरगोश सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। बाघ की विशेषताएँ, बाघ की विशेषताएँ देख लेते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूछों के कंपन से नाप लेता है। खतरनाक है बाघ, मूछ होते हैं ना लंबे लंबे, उसी से वो पता लगा लेते। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा, हवा आती है तो देखता है कि मूछ किधर से मुड़ रहे हैं, हिल रहे हैं, तो मूछों के कंपन से नाप लेता है, ठीक है। और क्या दिया है? इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे उन्हें मदद मिलती है। इससे अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेता है आसानी से, कितना अच्छा है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है कि इधर दूसरा बाघ गया है तो मैं नहीं जाऊं, ठीक है, तो ये मूत्र की गंध से जान जाता है, ठीक है। अच्छा, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इसका गुर्राना कितने दूर तक जाता है? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आगे दिया है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि रात को भी चल सकता है, ये रात को विचरण कर सकता है, रात को शिकार कर सकता है, हमसे ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा। हमें जो टार्च की ज़रूरत पड़ती है, टार्च की, इसे टार्च की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमसे 6 गुना जब देख सकता है तो। अगला क्या दिया है? बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। हवा से जब पत्ते हिलते हैं और झाड़ियों, शिकार के झाड़ियों से हिलने की आवाज़, दोनों में अंतर पहचान लेता है कि ये शिकार कोई यहाँ पे है, कोई जानवर है, या फिर हवा से पत्ती हिल रही है। दोनों में अंतर को जान लेता है, जिससे कि शिकार की ओर ही अपने चल पड़ता है और शिकार कर लेता है, ठीक है। अच्छा, आगे दिया गया है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, कान के बारे में बताया है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, ठीक है। तो दोनों को इसके कान होते हैं, बहुत बढ़िया है इसका। तो हम लोग आगे देखते हैं, और किसका दिया है? रेशम कीट की विशेषताएँ, इनको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। वैसे आज हम लोगों ने 40-43 मिनट हो गए हम लोग को पढ़ते हुए, काफ़ी हम लोगों ने आज देखा, 9:30 होने चले हैं, 9:30 हो भी चले हैं। अच्छा, ये रेशम के कीट हम लोग आज खत्म कर लेते हैं इसको, फिर हम लोग कल देखेंगे। और रेशम कीट की विशेषताएं, रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। वो क्या खतरनाक है, मतलब अब क्या कह सकते, दैवीय शक्ति कह सकते हैं इसको, और क्या आप कह सकते हैं भाई। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, हाँ, ये तो अजीब बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अब महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सभी का सारांश समराइज कर लेते हैं इसको। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हैं तो रूपांतरित होते हैं, बिल्कुल। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं और समतापी प्राणी होते हैं, समतापी यानी समान ताप में रहने के। पक्षियों के हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा जोड़े में रहते हैं, ओ गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना घोंसला स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। और आगे दिया है एम्यू कीवी पेंगुइन रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। तो ना उड़ने वाले पक्षी आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एम्यू है, कीवी है, पेंगुइन है, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोषणा बनाते हैं अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में बनाते हैं और वैसे में अंडे देते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। गिद्ध क्या करते हैं? मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण में स्वच्छता बना लेते रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। चूहों में देखने की क्षमता कम, चूहों में क्या होते हैं? देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? चूहों में देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने की, छूने की, स्वाद वाली क्षमताएँ बहुत तीव्र है, कुतुर कुतुर कर खाता है। गांधी जी के 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। 150वीं वर्षगांठ, ये भी आपको ध्यान रखने लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है। वर्ली जनजाति जो है वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र की शैली है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। अच्छा, वर्ली जनजाति जो है वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, आर्ट यानी कला, महाराष्ट्र की शैली है, महाराष्ट्र है यानी एक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है, ठीक है। आप कहेंगे अभी रीवा में रीवा महोत्सव लगा हुआ था, वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ पर गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती, धूप बत्ती जिसे गए थे, वो हमें मिली हुई और हमने खरीद कर लाए हुए, हम आपको दिखाएंगे किसी दिन। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस की सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी, बिल्कुल, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, सहजीवी संबंध होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। आगे, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में एक ही ऐसी जगह है, यानी क्या कह रहा, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, या फूलों की घाटी कहा जाता है। अच्छा, जहाँ पे फूल ही फूल होते हैं उत्तराखंड में, इसीलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा मिलाकर, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा मिलाकर शीशी भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो, इसकी इस्तेमाल सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। ओहो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा मिलाकर शीशी भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो, इससे इस्तेमाल सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। ये काफ़ी नुस्खा अच्छा है। आगे देखते हैं, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। क्या दिया है? पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। अच्छा, तो यानी हमको ये भी ध्यान रखना, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें केवल हवा भरी होती, कैल्शियम मैग्नीशियम सब नहीं भरा होता, ठीक है, ये मनुष्यों में भरा होता है। पक्षी एक ही समय में दो आँखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, यानी कि दो आँखें होती हैं, तुम्हें अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल, हम लोग क्या करते हैं कि एक आँख से, दोनों आँख से एक ही चीज़ को देख सकते हैं, भले उसके आसपास की चीज़ें थोड़ी बहुत दिखे, लेकिन सेंटर जो होता है, केंद्र जो होता है, वो हमारा एक ही वस्तु होती है। लेकिन पक्षी अलग अलग चीज़ें, क्योंकि पक्षियों के यहाँ पर बगल में होती है आँखें, उल्लू बस के सामने होती है। हाँ, आगे देखते हैं, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। अच्छा, आँखों की पुतलियाँ नहीं घूमती हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पूरी गर्दन अपने से घुमा लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। अच्छा, 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, बाघ हमसे 6 गुना ज़्यादा रात को देख सकता, अभी हमने पीछे देखा था, उसको भी नहीं भूलना है, ठीक है, चीज़ें रिवाइज करते रहना है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग वन लाइनर में, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। अच्छा, रात में जो जागते हैं जानवर, वो हर चीज़ को सफ़ेद व काली रूप में ही देख पाते हैं, कलरफुल नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप कलरफुल अगर कपड़े पहने हो तो आपको वो समझ नहीं पाएंगे, काले सफ़ेद ही दिखोगे आप। कान सुनने मदद करते हैं, पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं। अच्छा,
पक्षियों के होते हैं कान, मेढक के होते हैं, छिपकली के होते हैं, मगरमच्छ के कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेन जैसे कान होते हैं, छेन जैसे कान होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, किसके किसके होते हैं कान? पक्षी के होते हैं, मेढक के होते हैं, छिपकली के होते हैं, मगरमच्छ के होते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ सुनने मदद करते हैं कान, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ते, इनके कान नहीं दिखाई पड़ते, ये दिखाई देते हैं। इनमें छेन जैसे कान होते हैं, छेन जैसे कान होते हैं। ठीक है, अच्छा, अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। जैसे मछली अंडा देती है, मेढक देती, सरीसृप देती है, पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते, शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। ठीक है, मछली के नहीं होते बाल, मेढक के, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज। और अंडे देने वाले अंडायु, ठीक है, अंडे कहलाते हैं और जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे अंतर भी दिख रहा होगा कि स्तनधारी जो होते हैं उनके कान भी दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल भी होते हैं और जरायुज कहलाते हैं, वो अंडे कहलाते हैं और उनके कान नहीं दिखाई देते हैं और वो उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। ठीक है, गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़ चपटे, बड़े व चपटे होते हैं। ठीक है, गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? यहाँ पे दिया गया है, आपको ध्यान दिख रहा होगा, गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। ठीक है, चपटे भी होते हैं। आगे कितना है देख लेते हैं भाई हम लोग। अच्छा, ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा और हम लोग इसको देख लेते हैं आज के। ठीक है, समराइज कर लेते हैं, बस लास्ट चल रहा है। ठीक है, आगे दिया है, बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। बिल्ली के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने के लिए प्रयोग में लाती है बिल्ली। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। ओह, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ओहो, ती खतरनाक चीज़ है भाई, पानी ही नहीं पीते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ओहो, ये भी जानकारी चीज़ है। छिपकली, मेढक सिर्फ सर्दी से बचने हैं तो शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, बताओ, शीत निद्रा में चले जाते हैं। जिससे छिपकली, मेढक, सारी सिर्फ सिर्फ इनको सब सर्दी नहीं होती है, इनको ठंडी से बचते हैं, सर्दी से बच जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे तक सोते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, ये हमको सब ध्यान रखना है। ये मैथ में दिया गया है सब, और ये EBS में दिया गया है, 5th की दिया गया है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, गाय 4 घंटे और हाथी 4 घंटे, गाय और हाथी 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, बिल्ली 12, बिल्ली 12, बिल्ली 12, ठीक, जिराफ 2 घंटे, जिराफ 2 घंटे, 80-8 घंटे तक सो सकता है, सोता है। सांपों को नाचने वालों को कालबेरिया कहते हैं। जो सांपों को नचाने वाले होते हैं उनको कालबेरिया कहते हैं, जो मदाड़ी वगैरह होते हैं उनको नचाते हैं, उनको कालबेरिया कहते हैं। अच्छा, कालबेरिया, काल के समान डर लगता होगा इसलिए वो नाचने लगते हैं। चलो ठीक है, कालबेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। अच्छा, उनके डंक से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है, इसलिए मदारी लोग पहचान जाते हैं। आगे देखते हैं, कालबेरिया लोग बेटी को शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हो, सांप को तोहफे के रूप में देखते हैं कालबेरिया लोग। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों का अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। वो तो जानवर जान जाते हैं आने वाली संपदा को, आपदा को, और उससे भली बात बच जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद ये हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है। इसी प्रकार और भी पार्ट हमारे हैं। इस प्रकार कम से कम 8-10 पार्ट आने वाले हैं, 10-10 पेज की, 20-20 पेज की, जितना भी हो जाएगा हम लोग उसको देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे, फिर वन लाइनर देखेंगे, समराइज करेंगे उसको। इस प्रकार हम लोग डेली समझेंगे और हमारे साथ आप भी समझेंगे और हम भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे और हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि KBS क्रैक करना है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और हमको डट कर पढ़ना है। और अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपके साथ हमने KVS ये ABS पढ़ा। अब हम अभी तो हम लोग अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटे 11:30 बजे तक अभी हम लोग कम से कम दूसरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कम से कम 1 घंटे इसको पढ़े, 1 घंटे अब दूसरी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि इसकी PDF हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आप लोग साथ शेयर नहीं कर सकते, हम बुक से पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आप लोग भी अब पढ़ेंगे लेकिन खाना वाना खा करके। तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं अब हम लोग इसी के साथ। और आप लोग भी आई होप कि पढ़ेंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाय बाय करते हैं, गुड नाइट सभी को। मिलते हैं कल 8:30 बजे इसी टाइम पे, यानी कि और हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे इसी चैनल पे। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।